कल दिनांक 12 नवंबर को बबुरी थाना क्षेत्र के देवगढ़ ग्राम में रात्रि में लगभग 9:30 बजे के आसपास दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी एवं विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के प्रवीण यादव की चोट लगने के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त पक्ष के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 8 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 5 अभियुक्तों की मौके पर गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। मेरा नाम अजय यादव। हाँ सर, चोट लगी है, कुछ लोगों से मेरी झगड़ा हुई। भाई गया था राइस मिल पर, मतलब हम लोग का खेत है, वहाँ पे दिया जलाने के लिए। और वहाँ से जब वह वापस आया तो कुछ लोग मंदिर के पास हरजन बस्ती के लोग ताश उस मतलब कुछ भी खेल रहे थे। और उस जब उसने बोला कि आप लोग रास्ते से हट जाइए, तो वो लोग रास्ते से ना हटकर उससे लगे गाली गलौज या कुछ अभद्र भाषाओं का प्रयोग किए और उसको लाठी डंडे से वार करने लगे। लाठी डंडे के वार किए, उससे करने के बाद उसे पास के तालाब में ले जाकर मतलब गोदने डुबाने लगे उसको, जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। और उसके बीच बचाव में हम लोग को जब पता मतलब आए देखे तो उसका लाश मतलब तालाब में डूब चुका था। तो उसको हम लोग निकाले, किसी तरह कोशिश कर लाश को हम लोग बाहर निकाले। और जब लाश को बाहर निकाल कर हम लोग उसको एडमिट कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस समय भी वो लोग 3 लोगों पर वार करने लगे और लाश पर भी उन्होंने बेरहमी से वार किया। किसी से? सर लाठी से, हाँ लाठी डंडे से फिर उस पर वार किए, उसमें भी 2 लोग चोटिल हो गए। और सर फिर हमने 100 नंबर का प्रयोग किया और पुलिस आई, फिर हम लोग थाने गए, वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई था उसको किए, जिसमें से 2-4 लोग हिरासत में हैं और 2-4 लोग भाग गए हैं।